इससे पहले हमने 16 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने अलग अलग रेशियो के ऊपर अलग अलग वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप वो वीडियो पहले एक बार जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कंपनी का जो ये इंडस्ट्री पी होता है वो क्या होता है और उसका यूज़ क्या है। तो उसके लिए हमें एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ऊपर हमें ये सभी जानकारी पहले से अवेलेबल मिले। तो हम जिस वेबसाइट का यूज़ करते हैं वो है www.screener.in। फ्री वेबसाइट है, आप भी इसको गूगल पे सर्च करिए, साइन इन करिए और उसके बाद आप यहाँ पे किसी भी कंपनी का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे ही सर्च बॉक्स में आप कोई भी कंपनी लिखोगे, इतनी सारी कंपनियाँ हैं, जैसे रिलायंस है तो हमने रिलायंस जैसे ही लिखा ये कंपनी का पूरा डिटेल हमारे सामने आ चुका है। अब अगर कोई भी रेशियो यहाँ पे आपको नहीं दिखता है, मान लीजिए कि ROROC वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये जो सर्च बार है उसमें आप कोई भी जैसे सर्च करोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे आ जाएगी। जैसे डी लिखा तो हमने डेब्ट टू इक्विटी, डेब्ट टू इक्विटी वगैरह जो भी आप ओके करोगे ये यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो अभी हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे इंडस्ट्रीज पी के ऊपर और उसका स्टॉक पी से क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। तो उसको देखने के लिए हमें कुछ रेशियो देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंडस्ट्रीज पी कहाँ है और स्टॉक पी कहाँ हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा। तो ये है हमारा इंडस्ट्रीज पी पी और दूसरा हमने जो ये है वो है स्टॉक पी। स्टॉक पी पे हमने ऑलरेडी पी पे वीडियो बना रखा है। अभी आज हम बात करेंगे इंडस्ट्रीज पी। अब इंडस्ट्रीज पी होता क्या है वो आपको सबसे पहले हम बता देंगे। जैसे आप इस वेबसाइट के अंदर नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे वैसे वैसे आप जैसे ही यहाँ पे आओगे थोड़ा नीचे तो ये आपके यहाँ पे पीयर कंपनीज बता रखी है। मान लीजिए जो रिलायंस कंपनी है उसके मार्केट में दूसरी पीयर कंपनी जो होती है उसका कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। तो अगर हम देखें तो रिलायंस के सामने जो उसकी पेयर कंपनी है वो IOCL है, BPCL है, HPCL है, MRPL है, CPCL है, ये सब इसकी अपोजिटर कंपनी है। अब ये एक्चुअल में इंडस्ट्री पी क्या बताता है वो ये बताता है कि इन सभी कंपनियों का जो पी है उसका एक एवरेज निकाला गया है। वो एवरेज जो होता है उस एवरेज को इंडस्ट्रीज, मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि टेलीकॉम सेक्टर है तो टेलीकॉम सेक्टर में कितनी सारी कंपनियां हैं, जैसे आइडिया, वोडाफोन, जियो, एयरटेल। तो अगर मान लीजिए हम जियो का एनालिसिस कर रहे हैं या हम एयरटेल का एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें उसकी इंडस्ट्रीज में कितनी बाकी की कंपनियां हैं उन सभी के जो टोटल पी होता है उस पी से हम कंपैरिजन करते हैं। इस वाले जो जियो है या एयरटेल है उसकी स्टॉक पी से हम कंपैरिजन करके देते हैं, यानी उस इंडस्ट्रीज के टोटल पी से आपका स्टॉक पी कम होना चाहिए। तो इंडस्ट्री पी वही कहलाता है कि आपकी जो भी पेयर कंपनीज है वो पेयर कंपनीज का जो टोटल पी होता है उसका एवरेज निकाला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन सभी कंपनियों का, ये जो हमने अभी कंपनियाँ यहाँ पे देखी, इन सभी कंपनियों का जो इंडस्ट्रीज पी है वो आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है 10.6। उसके सामने स्टॉक पी आपको दिखाया जा रहा है 23.9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडस्ट्री पी, इसकी जो बाकी की जो जितनी भी इंडस्ट्रीज में कंपनियाँ हैं उन सबसे इसका स्टॉक भी महंगा है। तो हमें ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए और ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसके इंडस्ट्री पी से स्टॉक पी हमेशा कम हो, तो उस स्टॉक के चलने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर आई होप आपको समझ में आया होगा कि इंडस्ट्री पी क्या है और स्टॉक पी क्या है। स्टॉक पी इस स्टॉक का पी बताता है और इंडस्ट्री पी मतलब इसके जो कंपेरिजन की बाकी जो कंपनियाँ हैं जो इसकी इंडस्ट्रीज में लगती है उनका पी बताता है। तो आपको हमेशा यही चेक करना है। तो कुछ और कंपनियों को हम यहाँ पे एक बार चेक करके बता देते हैं। तो हमने कंपनी का सर्च मारा है, देखिए यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज पी दिखाई दे रहा है, ये REC लिमिटेड है। REC लिमिटेड के अंदर हमने यहाँ पे इंडस्ट्री पी देखा वो आपका दिखा रहा है 4.84, मतलब इंडस्ट्री पी ज़्यादा है। उसके सामने स्टॉक पी आप देखिए, इसका स्टॉक पी कम है। तो ऐसे स्टॉक के चलने के चांस हमेशा ज़्यादा होते हैं क्योंकि इंडस्ट्रीज के मुकाबले आपका पी कम दिखा रहा है, इसका मतलब ये स्टॉक के चलने के चांस हमेशा ज़्यादा होते हैं। ये इसकी जो कंपेरिजन कंपनियाँ हैं उन सभी कंपेरिजन कंपनियों का ये निकाला हुआ है। तो ये टोटल जानकारी हमने आपको दी। आप देखिए किसी भी एक फैक्टर को देख के आप किसी भी स्टॉक का चुनाव नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको बाकी सभी रेशियो को भी देखना पड़ता है तभी जाके आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाकी सब वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं, यहाँ पे लास्ट में स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके वो 8, 10, 12 वीडियो जो भी है, 15, 16 वीडियो आप एक बार वॉच करिए तो आप एक कम्प्लीट एनालिसिस करना सीख जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।